की चर्चा के की अंतर्गत हम लोग वैदिक के संस्कृति के अंतर्गत भूगोल का अध्ययन करेंगे ठीक है भूगोल को देखने का प्रयास करेंगे और जब आप पे वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृति दो भागों में विभाजित है एक तो ऋग्वेद वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 हजार ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 सौ ईसा पूर्व क्योंकि जब भी किसी भी संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इतिहास के अंतर्गत आप उसके भूगोल को समझें बिना भूगोल को समझे आप किसी भी संस्कृति को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं राइट right? इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि वैदिक आर्च मध्य एशिया से भारत आते हैं और भारत में फिर अलग अलग क्षेत्रों में उनका माइग्रेशन होता है एक बात ध्यान में रखना है कि जब आर्यों की बात करते हैं तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि आर्जे कौन थे तो हमने बताया कि इंडो यूरोपियन भाषा समूह के लोग थे राइट right? एक प्रतिपादन ये भी किया गया था पहले कि आर्ज एक नस्ल है एक प्रजाति है राइट right? जो कि अब उसको अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि आर्य भाषा भाषी समूह के जो लोग हैं ये विश्व के बहुत बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं राइट right? इसलिए प्रजाति अवधारणा का खंडन कर दिया गया है अब कहा जाता है कि आर्ज एक भाषाई समूह है आर्ज एक सांस्कृतिक समूह है ठीक है ये सांस्कृतिक समूह भी है क्योंकि इनकी संस्कृतियों में कुछ विशेष समानता पाई जाती है राइट क्योंकि आर्जों की जो संस्कृति है इस संस्कृति की प्रमाण मध्य एशिया से भी मिलते हैं ईरान से भी मिलते हैं यूनान से भी मिलते हैं और यूरोप के कई देशों से भी मिलते हैं भारत से भी मिलते हैं तो उनकी संस्कृति में कुछ विशेषताएं कॉमन है जिसकी चर्चा हमने पूर्व के क्लास में किया है आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इनका आर्जों का भूगोल क्या था राइट और खास करके हम देखने का प्रयास करें कि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वैदिक काल में जो आर्ज हैं वो किन क्षेत्रों में निवास करते थे एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि ये जो टॉपिक है ये पीटी में के दृष्टिकोण से भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्व है महत्वपूर्ण है और सब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है तो अगर इनके भूगोल के बारे में बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि ऋग वेद में एक नदी सूक्त है राइट जैसा कि आप जानते होंगे कि ऋग्वेद में दस सौ अठाईस सूक्त है उस दस सौ अठाईस सूक्त में नदी सूक्त है और इस नदी सूक्त में इकतीस नदियों का उल्लेख है यह नदियों की चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों के जो भूगोल है उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो नदियों के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है राइट right? और इसलिए ऋग्वेद में भी नदियों का उल्लेख है और ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में भी नदियों का उल्लेख है और इन नदियों का जो उल्लेख है उसमें कुछ समानताएं भी है दूसरा ऋग्वेद जब के नदी सूक्त में हमें ये जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक आर्ज जो हैं ऋग्वेदिक आर्ज सप्त प्रदेश में निवास करते थे राइट right? ये ध्यान में रखना सप्त सप्त प्रदेश तो इस सप्तव प्रदेश से क्या तत्पर है क्या मतलब है सप्त प्रदेश से तो सप्तेंधो प्रदेश का मतलब है सात नदियों से घिरा प्रदेश सात नदियों से घिरा प्रदेश और ये सात नदियों से घिरा जो प्रदेश है इन सात नदियों में जिसकी चर्चा होती है उसमें एक तो सिंधु नदी दूसरी सरस्वती नदी और फिर पंजाब की पांच प्रमुख नदियां राइट जिसमें एक अस्किनी का उल्लेख है जिसको आज के डेट में हम लोग चिनाब नदी के नाम से जानते हैं दूसरा पासा यानी आज का व्यास नदी तीसरा सतुद्री सतलज नदी नेक्स्ट बितिस्ता झेलम नदी और नेक्स्ट पुरुषनी रावी नदी यानी कि एक तो आपको इन सात नदियों का एक तो प्राचीन नाम भी अगर इन पांचों का प्राचीन नाम आप याद रखें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत सहायता होती है ये पांच प्रमुख नदियाँ अस्किनी विपाशा, सतुद्री, वितिस्ता, पुरुषनी तो ऋग्वेद में ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ऋग्वैदिक आर्ज सप्त सैंधो प्रदेश में निवास करते थे तो ये सात नदियों से जो घिरा प्रदेश है ये ऋग्वैदिक आर्जों के निवास का एक तरह से मूल क्षेत्र है जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन है लेकिन ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदी का भी उल्लेख है ध्यान ये रखना है जैसे अफगानिस्तान में कुरम नदी काबुल नदी गोमल नदी और स्वात नदी इनका भी उल्लेख है और हम लोग ये बात करते हैं कि ऋग्वैदिक आर्ज जो है ईरान से अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान होते भारत में प्रवेश करते हैं इसका मतलब है कि जो ऋग्वैदिक आर्जों का जो मूल निवास स्थान था वह अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान में भी पंजाब का जो पाकिस्तान का प्रदेश है वहाँ भारत का पंजाब का प्रदेश और थोड़ा सा हरियाणा का भाग क्योंकि रिग वेद में एक बात ध्यान में रखना है कि ऋग वेद में यमुना का उल्लेख हुआ है यमुना नदी का उल्लेख दो बार हुआ है और गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है राइट यमुना का दो बार गंगा का एक बार हुआ है हिमालय के मूंज पर्वत का भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है ऋग्वेद में समुद्र शब्द आया है लेकिन समुद्र का शब्द का अर्थ जो है जलराशि तालाब से लिया जाता है यानी इन्हें समुद्र के बारे में जानकारी नहीं है बिंद पर्वत का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है नर्मदा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है इसलिए ऋग वैदिक आर्ज मूल रूप से अफगानिस्तान पंजाब की पंज... पाकिस्तान की पंजाब भारत की पंजाब हरियाणा के प्रदेश में निवास करते थे ये बात क्लियर आपको ध्यान में रखना है और इसी से उनके भौगोलिक अवस्थिति के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है यहां से ऋग्वैदिक आर्च, फिर उत्तर वैदिक काल में इनका पूरब की ओर विस्तार होता है तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक आर्च जो है यहां विस्तार इनका कैसे होता है तो इनकी विस्तार के बारे में एक तो महत्वपूर्ण जानकारी सतपथ ब्राह्मण में है राइट right? सतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में एक विदेद माधव की कथा है विदेद माधव की कथानक है और इसमें उल्लेख आया है कि विदेध माधव सरस्वती नदी के किनारे यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जब धृत का नाम लिया जाता है घी डाला जाता है तो अग्नि वहाँ से यज्ञ कुंड से यज्ञ वेदी से निकलकर पूरब की ओर चल पड़ती है और उसके पीछे पीछे विदेध माधव और अन्य देवता और राहुगन चलते हैं अग्नि पूरब की ओर बढ़ती बढ़ते सदा नीरा नदी के तट पर रुक जाती है सदा नीरा नदी गंडक नदी को बोलते हैं और उसके बाद वो विदेह माधव से पूछती है कि अब मैं कहाँ निवास करूँ तो विदेह माधव कहते हैं कि आप इसके पूर्व में निवास करो यानी विदेह में यानी मिथिला में तक आरजों का विस्तार होता है तो एक तो जानकारी हमको इससे ये मिलती है ध्यान ये रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जो इनका भौगोलिक प्रदेश है इसमें हाकरा ये नदी घाटी जो है ये इनका मुख्य संकेद यहां पर है यानी मेन कंसंट्रेशन कंसंटेशन हाकरा में है राइट right? लेकिन यहाँ पर आकर के आर्जुन का जो मूल सकेंदन हो जाता है ये होता है गंगा जमुना द्वाब ये बात ध्यान में रखना कि गंगा जमुना द्वाब में आर्जुन का मूल सकेंदन हो जाता है और गंगा जमुना द्वाब ही नहीं होता है बल्कि पूरब में उत्तरी बिहार तक इनका विस्तार हो जाता है एक तो ये ध्यान में रखना है दूसरा कि उत्तर वैदिक काल का जो ग्रंथ है उसमें अरब सागर और हिंद महासागर दोनों का उल्लेख आता है राइट right? यानी कि उत्तर वैदिक कालीन आर्ज जो है सागर से अरब सागर से और हिंद महासागर से इनका परिचय तो है लेकिन बिंद पर्वत के दक्षिण के किसी भाग का उल्लेख नहीं है राइट right? इसलिए बिंद के उत्तर में ही ये निवास कर रहे हैं नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में है इसका मतलब है कि ये नर्मदा नदी तक इनकी पहुंच हो जाती है राजस्थान और गुजरात के कुछ प्रदेशों से परिचित हो गए होंगे और इसलिए समुद्र तक वहाँ वो पहुँच पाए अदरवाइज पूरे उत्तर भारत में ये आर्जुन की संस्कृति का प्रसार उत्तर वैदिक काल में हो जाता है हालांकि मुख्य रूप से इनका संकीर्ण जो है गंगा जमुना द्वार में दिखाई देता है अब ये बात ध्यान में रखना है कि जब आर्जुन के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो जिस समय ऋग्वैदिक आर्ज आते हैं चूंकि ऋग्वैदिक आर्जों का जो भौगोलिक सके का क्षेत्र है घगर हाकरा वही भौगोलिक सकीन का क्षेत्र जो है आपको सिंधु सभ्यता के लोगों का भी था तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है अवसान हो जाता है और पहले एक कॉन्सेप्ट यह भी दिया गया था कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन होता है लेकिन अब इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि आर्जुन ने आक्रमण नहीं किया था बल्कि आज प्रवचन किए थे एक और दृष्टिकोण ऐसा डेवलप हुआ है इतिहास के अंतर्गत जो कहता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता भी आर्ज ही थे और इसलिए इसको सरस्वती संस्कृति कहा जाना चाहिए और उस सरस्वती संस्कृति के निर्माता आर्जन थे जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है राइट right? उसके कई कारण हैं जिसकी चर्चा जब हम तुलनात्मक रूप से वैदिक काल और सिंधु सभ्यता के बीच तुलना करेंगे तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे या आर्जन की संस्कृति किस प्रकार से भारत में फैलती है इस चीज़ की चर्चा जब करेंगे तो वहाँ भी उसको समझने का प्रयास करेंगे लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि भूगोल आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है आप चाहें तो इसको मैप पे दिया हुआ है एन की किताब में भी मैप है आप मैप के सहारे इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसको देख करके आप अपनी समझ को तो विकसित करेंगे ही साथ ही साथ जब भी इतिहास पढ़ें बिना भौगोलिक जानकारी के बिना भौगोलिक अवस्थिति के आप इतिहास की बेहतर समझ नहीं विकसित कर सकते हैं तो इस तरह से हम वैदिक संस्कृति के जो भूगोल है या आर्जों का प्रसार अगर आर्जों का प्रसार भी अगर बात किया जाए खास करके वैदिक काल में क्योंकि आर्जन संस्कृति वैदिक काल के बाद भी इसका प्रसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होता है जिसको आगे के कालखंड में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो देखेंगे लेकिन अगर वैदिक संस्कृति का वैदिक काल में प्रसार समझना हो तो आप इसके माध्यम से उसको समझ सकते हैं